इस क्वेश्चन में कह रहा है डिपॉजिटेड अ अम ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इन द इलाहाबाद बैंक फॉर वन ईयर दिव्यांकरन ने सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज एक साल के लिए इलाहाबाद बैंक में डिपॉजिट किए कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट एट परसेंट पर आने उसने ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखे कितने परसेंट इंटरेस्ट पे एट परसेंट पर एनम ये पूरे साल का इंटरेस्ट है लेकिन उसको कितना चाहिए हाफ ईयरली बेसिस पे चाहिए राइट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट तो हमें यह बताना है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिलेगा तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है कितना था प्रिंसिपल था हमारा दैट इज रुपीज सिक्स टू फाइव जीरो राइट रेट कितना होगा अब देखिए एट परसेंट पर एनम है राइट right? अब टाइम कैसे लेंगे देखिए हाफ ईयरली बोल रहा है तो दैट मींस पूरे साल में आधा आधा साल आधा साल मींस ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो ट्वेल्व मंथ्स में से सिक्स मंथ्स का राइट right? तो इसको क्या कह सकते हैं हम हाफ ईयर भी कह सकते हैं तो हाफ ईयर का हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ऑफ ईयर करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल देंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे देखिए इसका सेम फॉर्मूला पी इन आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो पी कितना है सिक्स टू फाइव जीरो आर कितना होगा एट परसेंट और T कितना है सिक्स अपॉइन्ट ट्वेल्व का है या वन अपॉइन्ट टू का है बात एक ही है इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी थी राइट right? अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए तो एक ज़ीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई फ़ाइव टू ज टेन फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव टू वन ज टू टू फोर ज एट टू वन ज टू 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 ज फोर तो ये कितना आ गया इंटरेस्ट वन ट्वेंटी फाइव इन टू और वी कैन से दैट रुपीस टू फिफ्टी आ गया इंटरेस्ट राइट तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ ईयर पे कितना अमाउंट पे किया जाएगा तो हमें पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल हमारा था सिक्स टू फाइव जीरो और इंटरेस्ट हमारा निकल गया है टू फिफ्टी तो ये कितना आ गया रुपीज़ सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ गया तो इसका मतलब अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए दैट इज़ रुपीज़ सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अब फिर से निकाल देंगे इंटरेस्ट तो देखिए अब इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड हाफ ईयर हाफ ईयर के लिए तो हमारा सेम फॉर्मूला पी इन टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो पी कितना हुआ सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर हुआ हमारा एट परसेंट और टी हुआ हमारा हाफ ईयर तो अब फिर से कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल हो रहा है दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल हो गई टू वन ज़र टू टू फोर ज़र एट तो ये कितना आ गया दैट इज़ रुपीज़ सिक्सटी फाइव इंटू फोर और वी कैन से दैट रुपीज़ फोर फाइव जो ट्वेंटी फ़ोर सिक्स ज़ोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स टू सिक्सटी हो गया तो हमारा अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर के एंड पे कितना अमाउंट पे किया जाएगा देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अब प्रिंसिपल कितना था 6500 और हमारा इंटरेस्ट कितना आया 260 तो ये कितना आ गया सिक्स सेवन हो गया रुपीस अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिला है ये निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे देखिए जो अमाउंट उसको सेकेंड हाफ ईयर में मिला है सेकेंड हाफ में उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट हाफ माइनस कर देंगे राइट तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट सेकेंड हाफ में कितना मिला है सिक्स सेवन सिक्स जीरो और प्रिंसिपल कितना था फर्स्ट हाफ में यही जो क्वेश्चन में दे रखा है सिक्स टू फाइव जीरो तो ये कितना आ गया दैट इज फाइव टेन रुपीज इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ